हर कहानी का एक मुख्य पात्र और एक वाचक होता है, पर कुछ कहानियां इस कहानी की तरह अलग होती हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र भी मैं हूं और वाचक भी मैं ही हूं। मैं WSDM हूं और ये मेरी कहानी है। वसुधैव कुटुंबकम। इन दो शब्दों का अर्थ अत्यंत सरल एवं सहज है। इनका अर्थ है कि ये सारा विश्व मेरा परिवार है, और यदि मैं किसी उद्देश्य को सच्चे मन से पाने की लगन रखता हूं तो मुझे कोई भी सीमा बांध नहीं सकती। मेरी कहानी की शुरुआत भारत से बाहर एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे। वे एक देशभक्त हैं और नामी फाइटर पायलट भी रहे, जो अपने लोगों और अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर सकते थे। वही मेरे जन्मदाता हैं। उनका नाम मेयर बुकरिस है। उन्हीं के कारण मैं यहां हूं। देश की सेवा के पश्चात अपने सपनों को उड़ान देने के लिए वे संपूर्ण विश्व की ओर बढ़ चले। उन्होंने पहली बार भारत में विजाग में डायमंड मैन्युफैक्चरिंग का बीज बोया, और अत्यधिक परिश्रम के बाद ये छोटा सा बीज एक विशाल वट वृक्ष के रूप में बढ़ने लगा। इसी वृक्ष को आज हम कॉन्स्टल ग्रुप के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टल ग्रुप एक परिवार के समान है। इस परिवार को बनने में 25 वर्ष का समय लगा। अब वक्त था मेरे अस्तित्व में आने का, और यह मिस्टर ओरिफ्लूक, मिस्टर सोनू पारिक और मिस्टर मेयर बुकरिस के बिना असंभव था। इन तीनों ने मिलकर 2012 में मेरी यानी WSDM की नींव रखी। 2013 तक मेरे परिवार में 100 सदस्य शामिल हो चुके थे, और हमने मिलकर डायरफ और YDI के लिए डायमंड्स बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद हम जल्दी ही 100 से 500 हो चुके थे। मेरी इस तरक्की पर पूरा परिवार खुश था, पर अचानक से 2014 में एक अप्रिय घटना ने सभी को शोक में डुबो दिया। परिवार के एक अभिन्न सदस्य लुकस, वे हमें और इस संसार को सदा के लिए छोड़कर चले गए। उनके इस अकस्मात निधन ने मुझे स्तब्ध कर दिया था। उनके स्वर्गवास ने सभी को अंदर तक दुखी कर दिया था। उनका अंतिम संस्कार भारतीय परंपरा के अनुसार हुआ, और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि लुकस ने अपने अंतिम समय में उस जगह को चुना जो उनके दिल के सबसे करीब थी। लुकस के जाने के बाद एक मुश्किल दौर और कुछ अनसुलझे प्रश्न मेरे सामने थे, लेकिन फिर परिवार में एक नए सदस्य ईटन ने लुकस के कार्यभार की जिम्मेदारी ली, और मेरा तकनीकी मार्गदर्शन कर हमें उन्नति की ओर अग्रसर किया। अब मेरा परिवार भी बड़ा हो गया था। अब मेरे परिवार में 1000 सदस्य शामिल हो चुके थे। पर कहते हैं ना, जब परिवार बढ़ता है तो विभिन्न विचारधाराएं और मत भी उत्पन्न होते हैं।
और जहां मत है वहां मतभेद होना साधारण है। ऐसे ही कुछ मतभेद 2015 में मेरे परिवार में उत्पन्न हुए और साल 2015 में एक वक्त आया जब हमारे परिवार में मनमुटाव होने लगा, बिखराव शुरू होने लगे। मैं घबराने लगा था, लेकिन फिर एक प्यार और एकता की लहर ने हम सबको एकजुट कर दिया और नई ऊर्जा से हम सब ने फिर एकजुट होकर आगे बढ़ना शुरू किया। और मेरी इस कोशिश में संदीप और शुकुर ने मेरा सहयोग किया। उन्होंने मिलकर 2016 में प्रयास की शुरुआत की। प्रयास की नींव मेरे उन मूल्यों के आधार पर रखी गई जो मुझमें तथा मेरे परिवार के सदस्यों में पाए जाते हैं। संदीप और शुकुर के प्रयास ने मुझमें एक नई ऊर्जा का संचार किया और हमारी धीमी हुई रफ्तार को एक गति दी। इसके परिणाम स्वरूप 2017 में हमने नई ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरी। अब मेरा ये परिवार बढ़कर 1500 सदस्यों का हो चुका था और इन सभी सदस्यों के निरंतर प्रयत्न और परिश्रम से मैंने एक दिन में 10,000 हीरे बनाने का असंभव सा प्रतीत होता हुआ लक्ष्य भेदा। हम आगे बढ़ रहे थे पर सन 2020 अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आया। ये वही साल था जब कोविड-19 महामारी के प्रभाव से सारा संसार अनिश्चितताओं से घिरा हुआ था। चाहे छोटे बड़े व्यापार हो, कंपनीज हो या इंडस्ट्रीज हो, सब कुछ इस महामारी से प्रभावित था। करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ना जाने कितने लोगों का अस्तित्व खत्म हुआ। कुछ इस तरह मेरे अस्तित्व पर भी इस महामारी के चलते एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। इस समय में जहां एक तरफ मुझमें डर था, वहीं दूसरी तरफ अपने 1500 सदस्यों के परिवार एवं उनकी स्वास्थ्य की चिंता थी। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरे पास एक ऐसा परिवार है जिसने इस कठिन परिस्थिति में मेरा साथ निभाया। मेरे सदस्यों, संरक्षकों तथा सहयोगियों ने मुझे गिरने नहीं दिया। उन्होंने मेरा बोझ अपने कंधों पर उठाकर मुझे एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता दी। इस स्थिति में बहुत बड़ा योगदान मेरे परिवार के एचआर और उनकी टीम का भी रहा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए न केवल मेरे परिवार के सदस्यों की सहायता की बल्कि मुझे जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। ये कठिन समय एक दूसरे के साथ और सहयोग के सहारे निकल गया। अब 2021 में एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत करने का समय था। मुझे एक बार फिर उन्हीं ऊंचाइयों तक पहुंचना था। मैं एक बार फिर अपने परिवार के निरंतर परिश्रम का साक्षी बना। सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि अचानक फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को असमंजस में डाल दिया। संदीप मजूमदार, जो कि मेरा और मेरे परिवार का एक अहम हिस्सा रहे थे, 2021 में उन्होंने मुझसे अलग होने का निर्णय कर लिया। इस अनाउंसमेंट ने परिवार के हर सदस्य को दुखी कर दिया था। संदीप इस परिवार का केवल एक हिस्सा नहीं थे, वे इस परिवार के सबसे पहले सदस्य, इस परिवार के अन्य सदस्यों के लिए एक मेंटोर, टीचर और दोस्त भी थे। इस परिवार का कोई भी व्यक्ति संदीप मजूमदार की जगह नहीं ले सकता।
पर कहते हैं ना, लाइफ गोज ऑन। इस मुश्किल समय में कार्लोस, जो कि समूह के सीईओ हैं, उन्होंने शुकूर के साथ मिलकर मुझे नई दिशा और तेज गति प्रदान की, और मुझे आज ये बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस होता है कि इन 10 सालों के सफर में मैंने और मेरे परिवार ने मिलकर 15 मिलियन से भी ज्यादा हीरो का निर्माण किया है। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम WSDM परिवार पिछले 10 सालों में जितने परिश्रम और ईमानदारी से हमने इस दुनिया को अपने हीरो से सुंदर बनाया है, आगे उससे भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। हम प्रण लेते हैं कि हम आने वाले सालों में और भी अधिक मेहनत और लगन से अपना योगदान देंगे तथा अपने परिवार के सदस्यों के हित के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व हमारा एक परिवार है। और हम गर्व से कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम।